हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक एनीथिंग पर। आज हम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के तैयार करेंगे। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको पीसीज में कट कर लेंगे, इसका छिलका हटा के। अब हम स्ट्रॉबेरी को एक मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें आइसक्रीम यूज करूँगी। आप चाहो तो इसमें चीनी यूज कर सकते हो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो। मैं इसमें हल्का मीठा रखूंगी तो चीनी मैंने नहीं डाली है इसमें। और इस तरीके से स्ट्रॉबेरी और दूध को दोनों को पीस लेंगे अच्छे से, बिल्कुल ये एक ठीक सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड करेंगे और आइसक्रीम डालने के बाद फिर से हम एक बार मिक्सी को चला लेंगे। इससे ये बिल्कुल फ्लफी और स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा बैटर, जो कि पीने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार फिर से चला लेंगे, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हो जाता है बैटर आइसक्रीम डाल के फिर से चलाने से। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम सबसे पहले 2 से 4 आइस क्यूब ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद हम जो हमने ये मिल्क बना के तैयार किया है स्ट्रॉबेरी का, ये ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी मिल्क से। पूरा जो हमने मिल्क बनाया था वो ऐड कर देंगे और उसके बाद हम फिर से ऊपर से इसमें आइसक्रीम और ऐड करेंगे। आइसक्रीम मैंने ये वेनिला की नॉर्मल आइसक्रीम ली है, विदाउट फ्लेवर की। आप कोई भी आइसक्रीम यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। आइसक्रीम ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम कुछ पीसे स्ट्रॉबेरी के बारीक कट करके डाल देंगे। तो तैयार है हमारा टेस्टी और हेल्दी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पीने में और गर्मी में तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तो एंजॉय कीजिए आप इस मिल्क शेक की रेसिपी को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।